बासु चटर्जी ने साल 1969 में मूवी सारा आकाश से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश पांडे, मधु चक्रवर्ती, नंदिता ठाकुर, दीना पाठक, एके हंगल और जलाल आगा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1972 में इनकी अगली मूवी आई प्रिया का घर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, जया भादुरी, रजिता कोचर और असरानी शामिल थे। अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1974 में इनकी अगली मूवी आई रजनीगंधा। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, विद्या सिन्हा, दिनेश ठाकुर और रजिता कोचर शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1974 में ही इनकी अगली मूवी आई उस पार। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद मेहरा, पद्मा खन्ना, मौसमी चटर्जी, जलाल आगा और एके हंगल शामिल थे। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1976 में इनकी अगली मूवी आई चितचोर। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, जरीना वहाब, दीना पाठक, विजेंद्र घाटके और एके हंगल शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1976 में ही इनकी अगली मूवी आई छोटी सी बात। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, विद्या सिन्हा, अशोक कुमार, असरानी और आरएस चोपड़ा शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1977 में इनकी अगली मूवी आई स्वामी। इस मूवी के लीड कास्ट में शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त और शशिकला शामिल थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1978 में इनकी अगली मूवी आई सफेद झूठ। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद मेहरा, अशोक कुमार, मिठू मुखर्जी और देवेन वर्मा शामिल थे। विद्या सिन्हा और अमोल पालकर ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई प्रियतमा। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, नीतू सिंह, आशा सचदेव, राकेश रोशन, आईएस जौहर और देवेन वर्मा शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई खट्टा मीठा। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, प्रीति गांगुली, देवेन वर्मा और अशोक कुमार शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई दिल लगी। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रीति गांगुली, देवेन वर्मा, दुलारी और असरानी शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई तुम्हारे लिए। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, नीलम मेहरा, अशोक कुमार और ओम शिवपुरी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई चक्रव्यूह। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, नीतू सिंह, सिंपल कवाडिया, विनोद मेहरा और प्रदीप कुमार शामिल थे। ये एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1979 में इनकी अगली मूवी आई दो लड़के दोनों कड़के। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, मौसमी चटर्जी
असरानी, नवीन निश्चल, दीना पाठक, रंजीत और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक कॉमेडी क्राइम मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1979 में ही इनकी अगली मूवी आई मंजिल। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी, राकेश पांडे, ललिता पवार और एके हंगल शामिल थे। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1979 में ही इनकी अगली मूवी आई प्रेम विवाह। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, बिंदिया गोस्वामी, आशा पारेख, उत्पल दत्त और देवेंद्र वर्मा शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1979 में ही इनकी अगली मूवी आई रत्नदीप। इस मूवी के लीड कास्ट में हेमा मालिनी, गिरीश कर्नाड, एके हंगल, धीरज कुमार और नंदिता ठाकुर शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1979 में ही इनकी अगली मूवी आई बातों बातों में। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, टीना मुनीम, लीला मिश्रा, असरानी और डेविड अब्राहम शामिल थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1979 में ही इनकी अगली मूवी आई जीना यहाँ। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, शबाना आजमी, जरीना वहाब और शेखर कपूर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1980 में इनकी अगली मूवी आई मनपसंद। इस मूवी के लीड कास्ट में देवानंद, टीना मुनीम, गिरीश कर्नाड, सिंपल कबाडिया और महमूद शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1980 में ही इनकी अगली मूवी आई अपने पराए। इस मूवी के लीड कास्ट में अमोल पालकर, शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड और उत्पल दत्त शामिल थे। ये एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1982 में इनकी अगली मूवी आई हमारी बहू अलका। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, उत्पल दत्त और असरानी शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1982 में ही इनकी अगली मूवी आई शौकीन। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, अशोक कुमार, उत्पल दत्त और एके हंगल शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1983 में इनकी अगली मूवी आई पसंद अपनी अपनी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, उत्पल दत्त, सुबीर राज और जावेद खान अमरोही शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1984 में इनकी अगली मूवी आई लाखों की बात। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, अनीता राज, उत्पल दत्त और फारूक शेख शामिल थे। ये एक कॉमेडी म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1986 में इनकी अगली मूवी आई किराएदार। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, पद्मनी कोहलापुरे, विद्या सिन्हा, उत्पल दत्त और पिंचू कपूर शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में ही इनकी अगली मूवी आई चमेली की शादी। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, अमृता सिंह, अमजद खान, ओम प्रकाश, अन्नू कपूर और सत्येंद्र कपूर शामिल थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1986 में ही इनकी अगली मूवी आई शीशा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मुनमुन सेन,
विजेंद्र घाटके, सुरेश चटवाल और नंदिता ठाकुर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में इनकी अगली मूवी आई कमला की मौत। इस मूवी के लीड कास्ट में पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, रूपा गांगुली और आशा लता शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई त्रिया चरित्र। इस मूवी के लीड कास्ट में नसीरुद्दीन शाह, राजेश्वरी सचदेव, कनिका शिवपुरी और ओमपुरी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई गुदगुदी। इस मूवी के लीड कास्ट में जुगल हंसराज, प्रतिभा सिन्हा, अनुपम खेर और सतीश कौशिक शामिल थे। शाहरुख खान ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई प्रतीक्षा। इस मूवी के लीड कास्ट में जिमी शेरगिल, दिया मिर्जा, जरीना वहाब, अनुपम खेर और गोविंद नामदेव शामिल थे। ये एक रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में इनकी अगली मूवी आई कुछ खट्टा कुछ मीठा। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्चना पूरन सिंह, आदिति शर्मा, सरवर आहूजा, सतीश कौशिक और अनुपम खेर शामिल थे। ये एक कॉमेडी मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको बासु चटर्जी की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। बासु चटर्जी की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।